पर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नगर निगम और श्रम कल्याण विभाग के साझे से इंदिरा गांधी शहरी जॉब कार्ड रोजगार गारंटी शिविर के तृतीय चरण का उद्घाटन अहमद हुसैन कॉलोनी में हुआ। रोजगार गारंटी शिविर में सुरक्षा सावधानियां, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल जागरूकता, कानूनी क्षमता संवर्धन, स्वच्छता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। शिविर में बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों ने अपना पंजीयन कराया। इस तरह के रोजगार गारंटी शिविर 30 दिसंबर तक आयोजित होंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जॉब कार्ड और भारत सरकार द्वारा संचालित ई श्रम कार्ड, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड लोन योजनाओं से जोड़ने के लिए रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के बतौर मुख्य अतिथि श्री कुए क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम, सामाजिक कार्यकर्ता यशवंत पंड्या, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त लव वर्मा, सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा की गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और वंचित लोगों को शहरी रोजगार गारंटी जॉब कार्ड बनाकर जरूरतमंदों को रोजगार से जोड़ना, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित ई श्रम कार्ड के माध्यम से सुरक्षा बीमा कवर प्रदान कराना है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को नगर निगम के माध्यम से इंदिरा गांधी क्रेडिट लोन योजना के अंतर्गत जोड़कर लोन प्रदान करने, उनको आत्मनिर्भर बनाने पर काम किया जा रहा है। 30 दिसंबर तक करीब 11 शिविर विभिन्न नगर निगम क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे। तत्वपन फैमिली राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के इस उदयपुर क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा आज ये एक दिवसीय SSTTP कार्यक्रम का आयोजन इस रजा कॉलोनी में हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हाथों हाथ लोगों को जो भी सरकार की योजना है उनका फ़ायदा मिले। इस कार्य में बहुत सारे संस्थाओं का सहयोग भी हमने लिया है, जिसमें श्रम विभाग राजस्थान सरकार, नगर निगम, जग विद्या ट्रस्ट और हमारे सारे वॉलंटियर्स और एजुकेटर्स इस काम को करने में लगे हैं कि आज किसी भी प्रकार से इस प्रयास से लोगों के जॉब कार्ड्स उनको मिल जाएं, ई श्रम कार्ड्स में उनका पंजीकरण हो जाए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में भी उनका पंजीकरण हो जाए।